हे गाइस, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल। फ्रेंड्स, चीक्स ना ज़्यादा पिचके हुए अच्छे लगते हैं और ना ही बहुत ही ज़्यादा फूले हुए। फेस जब प्रॉपर शेप में होता है तभी अच्छा लगता है, मतलब कि चीक बोन भी दिखे और आपका गाल पिचका हुआ भी ना लगे। और फेस बिल्कुल पॉइंटेड होना चाहिए कि मतलब आपकी जो जॉ लाइन है वो बिल्कुल शार्प हो और बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगे, तभी माना जाता है कि आपका फेस बहुत ही ज़्यादा सुंदर है। तो आज मैं आपको जो एक्सरसाइजेस बताऊंगी ना, उससे आपका फेस बिल्कुल शेप में आ जाएगा, बहुत ही ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। आप ये मान के चलो कि आपका फेस बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगने लगेगा और उसकी वजह से आप बहुत ही ज़्यादा अच्छे लगने लगेंगे। तो आज मैं आपको टॉप 4 एक्सरसाइजेस बताऊंगी। ये एक्सरसाइजेस ना आपके फेस को बहुत ही ज़्यादा फुलाएंगी, ना ही बहुत ही ज़्यादा पिचका देंगी। इसके यूज़ से आपका फेस प्रॉपर शेप में आ जाएगा, मतलब बहुत ही अच्छा हो जाएगा। तो 4 एक्सरसाइजेस में से पहली जो एक्सरसाइज है, उसके लिए आपको अपना मुंह खोलना है, आपको अपना मुंह ओ शेप में खोलना है। उसके बाद आपको अपने लिप्स को पुश करते हुए धीरे से अंदर की तरफ ले जाना है, अपने टीथ की तरफ, कुछ इस तरीके से। इस एक्सरसाइज से चीक्स जो है वो बहुत ही ज़्यादा नॉर्मल हो जाएंगे, प्लस आपकी जो जॉ लाइन है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी हो जाएगी। आपको इसी पोजीशन में लगभग 30 सेकेंड तक ऐसे ही बैठे रहना है। आप एक टाइम पर इसे 5 बार करिएगा। पहले आप एक बार इसे 30 सेकंड के लिए कर लीजिए, फिर आप 2 सेकंड का ब्रेक ले सकते हैं। उसके बाद फिर से आपको दोबारा इसी तरह स्टार्ट करना है। इसी तरह आपको लगभग 5 बार तो करना ही है। फिर दूसरी एक्सरसाइज के लिए पहले आपको स्माइल करनी है, पर मुंह बंद करके स्माइल करनी है, हंसना नहीं है आपको। फिर आपको अपने दोनों हाथों से पहले तो अपने चीक्स पर क्लॉकवाइज मसाज करना है, कुछ इस तरीके से, और उसके बाद आपको एंटी क्लॉकवाइज मसाज करना है। आपको ये जो एक्सरसाइज है ये 30 सेकंड के लिए करना है। पहले 15 सेकंड आप क्लॉकवाइज ऐसे धीरे धीरे मसाज करिए अपने चीक्स पर अपने हाथों से। उसके बाद 15 सेकंड के बाद आपको एंटी क्लॉकवाइज में मसाज करना है, कुछ इस तरह से। ये एक्सरसाइज भी आपके चीक्स के लिए बहुत ही ज़्यादा बढ़िया है। तो 30 सेकंड तक इसे करने के बाद आप 5 सेकंड का ब्रेक ले सकते हैं। उसके बाद आपको इसे फिर से स्टार्ट करना है, आप इसे भी 5 बार ही करिएगा। तो अब बात आती है हमारी तीसरी एक्सरसाइज की। तो हमारी तीसरी एक्सरसाइज के लिए आपको पीना है पानी, पर एक नए तरीके से। वो पानी पीने का नया तरीका आज मैं आपको बताऊंगी। तो पहले तो आप पानी को मुंह में भरिए, फिर आपको कुछ इस तरीके से करना है। पानी मुंह में भरने के बाद आपको पानी को अपने पेट के अंदर नहीं ले जाना है, आपको पानी को अपने मुंह में ही रखना है और फिर आगे पीछे दाएं बाएं इधर उधर ले जाना है, जैसे कि आप देख रहे हैं मैं कर रही हूँ। आपको बिल्कुल इसी तरीके से करना है और इसी तरह आपको लगभग 1 मिनट तक करना है। जब आप 1 मिनट इसे कर लेंगे तो आपके चीक्स में थोड़ा सा पेन होगा, बहुत ज़्यादा नहीं होगा, डोंट वरी, आपको ज़्यादा दर्द नहीं होगा। 1 मिनट तक करने के बाद आप 5 सेकंड का ब्रेक ले सकते हैं। 5 सेकंड के बाद आप इसे फिर से करना स्टार्ट करिए। और इसके लिए कोई ये नहीं है कि आप इसे 2 बार करो, 5 बार, 10 बार, आप इसे जितनी बार चाहो उतनी बार कर सकते हो और इसे अपने पूरे दिन में कभी भी कर सकते हो जब आप फ्री होते हो। अब बात करते हैं हमारी 4th एक्सरसाइज की। तो 4th एक्सरसाइज के लिए सबसे पहले हमें लेना है ग्लिसरीन और गुलाब जल। आप ग्लिसरीन और गुलाब जल दोनों पहले अपने हाथों में ले लीजिए थोड़ा सा, और अपने हाथों में इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर लीजिए। इसके बाद हमें अपना मुंह खोलना है ओ शेप में। आप जितना मुंह खोल सकते हैं, जितना बड़ा मुंह उतना आप कर लीजिए, जैसे कि मैंने किया हुआ है। उसके बाद आप इसे ओ शेप में बना लीजिए, जैसे कि मेरा फेस इस वक्त ओ शेप में आपको दिख भी रहा है, इसी तरीके से करना है। उसके बाद हमें अपनी इंडेक्स फिंगर लेनी है और इंडेक्स फिंगर से हमें चीक्स को नीचे की तरफ पुश करना है। आपने जो ग्लिसरीन और गुलाब जल लिया था, इसे आपको अच्छी तरीके से अपने पूरे हाथों में लगाना है, जिससे कि आपकी जो इंडेक्स फिंगर है उस पर भी ग्लिसरीन और गुलाब जल अच्छी तरीके से लग जाए। और फिर अपने सिर्फ इंडेक्स फिंगर से ही चीक्स को नीचे की तरफ पुश करना है, अपने पूरे हाथ का इस्तेमाल नहीं करना है आपको। और इसी तरीके से आपको लगभग 5 मिनट तक ऐसे ही करते रहना है। और आप इस एक्सरसाइज को रात में सोने से पहले करिएगा, बस 5 मिनट आपके लगने हैं। और उसके बाद आपको अपना फेस वॉश नहीं करना है, ग्लिसरीन और गुलाब जल आपके फेस पे चीक्स पे लग जाएगा, उसी तरह आपको रात भर रहने देना है। और सुबह नेक्स्ट मॉर्निंग आपको उठ के अपना फेस वॉश कर लेना है। तो आप इसे रोज़ करिएगा, तभी आपको फ़ायदा होगा, तभी आपके चीक्स बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे। तो अगर आप मेरी बताई हुई इन 4 एक्सरसाइजेस को फॉलो करते हैं, जैसे मैंने बताया, जिस तरह से बताया उसी तरीके से करते हैं, तो आपका फेस बहुत ही ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। जैसे कि मैंने कहा, ना ज़्यादा मोटा होगा, ना ज़्यादा पतला होगा, आपका फेस बिल्कुल प्रॉपर शेप में आ जाएगा, मतलब बहुत ही ज़्यादा अच्छा हो जाएगा, आप और भी ज़्यादा सुंदर लगने लगेंगे। सो यही था मेरा वीडियो। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करिएगा। थैंक यू।